जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ऐतिहासिक कदम, लाखों रुपयों का फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों, रेलवे सभी के लिए, कैसे और कब होगा इस संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि ये खबर निकल कर आ रही है गुजरात सरकार की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है उन पेंशनर्स के लिए जिनका अभी तक कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन रिस्टोर नहीं हुआ है और उन कर्मचारियों के लिए जो आगे भविष्य में पेंशन जाएंगे। पहले हम उसकी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, केंद्रीय कर्मचारियों, जवानों, रेलवे, उन सबको कैसे फायदा होगा। ये देखिए दोस्तों, पहले ये एक लेटर है आपके सामने जो कि गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से 12 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने जो पेंशनर हैं उनकी जो कम्यूटेड पोर्शन होता है पेंशन का, उसकी रिकवरी 15 साल में होती है, लेकिन अब गुजरात सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि उसकी रिकवरी 15 साल की बजाय अब 13 साल में की जाएगी। अब दोस्तों एक चीज़ सोचिए, अगर मान लीजिए एक पेंशनर की पेंशन यानी बेसिक पेंशन, अगर मान लीजिए उसकी बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है, 30,000, तो उसकी जो कम्यूटेड पोर्शन है पेंशन का, कम्यूटेड पेंशन है वो हो गई 15,000, यानी 15,000 और ये 2 साल पहले पूरी हो जाएगी, 24 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो 24 महीने इंटू 15,000 इजिकल टू ये आपका जो कम्यूटेड पोर्शन है इसमें ये आपकी होगी 360,000। तो दोस्तों इस तरह से 360,000 रुपये का फ़ायदा होगा गुजरात के कर्मचारियों के लिए जो पेंशन जा चुके हैं, जिनके कम्यूटेड पोर्शन अभी पूरा नहीं हुआ है उनको, और जो आगे जाने वाले आने वाले समय में पेंशन जाएंगे उन कर्मचारियों को। अब इसी तरीके से आगे देखिए दोस्तों, ये नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की तरफ से एक लेटर लिखा गया है और ये लेटर लिखा गया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के सेक्रेटरी जी को, और इन्होंने भी यही मुद्दा उठाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का, और इनका कहना यह है कि 15 साल की बजाय जो कम्यूटेड पोर्शन है पेंशन का उसको 12 साल के बाद रिस्टोर किया जाए, यानी कि 12 साल तक काटे और उसके बाद उसको फुल पेंशन देना शुरू करें। इस संदर्भ में इन्होंने एक रेफरेंस भी दिया है जो कि 22 सितंबर 2022 को स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये मुद्दा उठाया गया था, डिस्कस किया गया था, और ये बात खुलकर सामने आई थी कि कम्यूटेड पोर्शन जो होता है पेंशन का उसकी रिकवरी 11 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाती है, और जबकि पेंशनर से ये 15 साल तक उसकी रिकवरी ली जाती है, जबकि आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस समय जब ये डिसीजन लिया गया था उस समय बहुत ज़्यादा होता था, यानी 12 से 15 के रेंज में उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता था, तब 15 साल तक रिकवरी होती थी, लेकिन अब तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम हो गया है। पेंशनर से जो कम्यूटेड पोर्शन है पेंशन का वो 11 साल में जब रिकवर हो रहा है तो अब इसको 15 साल की बजाय 12 साल में ख़त्म करना चाहिए, और 12 साल के बाद जो पोर्शन है, जो कम्यूटेड पोर्शन है पेंशन का, वो रिस्टोर होना चाहिए, यानी कि उसको पुनः चालू कर देना चाहिए 12 साल कंप्लीट होने के बाद। गुजरात सरकार ने जिस तरह से 13 साल पे कंप्लीट किया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 12 साल पे कंप्लीट होती है इस तरीके से उनको बहुत सारा पैसा बचेगा, यानी लाखों में वो पैसा बचेगा, और ये कोई सरकार का एहसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो 11 साल में उनका फुल जो कम्यूटेशन में पैसा दिया गया है उसकी रिकवरी हो रही है, और एक साल यानी 12 साल तो एक साल तक और जा रहा है, उसके बाद ही तो रिस्टोरेशन की डिमांड की गई है। ये मुद्दा 1 नवंबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के जो सेक्रेटरी जी हैं उनके सामने उठाया गया है, और उसमें कहा गया है कि जो पेंशन का कम्यूटेड पोर्शन होता है उसका जो रिस्टोरेशन है अब वो 12 साल पे होना चाहिए, यानी 12 साल तक उसकी रिकवरी हो, और 12 साल जैसे ही पूरे होते हैं तो पेंशनर को उसकी फुल पेंशन
मिलनी चाहिए। और इस मुद्दे पे जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें इस पे डिस्कशन हुआ है 22 सितंबर 2022 को स्टैंडिंग कमेटी में, वहाँ भी ये मुद्दा उठाया गया था और वहाँ सारी चीज़ें खुल के सामने आई कि ये जो आपकी पेंशन है वो 11 साल में पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पेंशन का जो कम्यूटेड पोर्शन होता है उसके रीस्टोरेशन के संदर्भ में। फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।